देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। भगवान महावीर मार्ग पर उमा प्रभु महावीर के भक्तों का जनसैलाब रविवार की शाम पीपली बाजार के नाम के आह्वान पर लगा। भक्तों का तांता 12,000 से अधिक भक्तों ने किए विराट श्रृंगार के दर्शन। श्री नवकार परिवार इंदौर के कल्याण मित्रों एवं श्री नवकार परिवार सुलसा की बहनों द्वारा इंदौर के सबसे प्राचीन सफ़ेद एवं लाल जैन श्वेतांबर तपागच मंदिर सहित जवाहर मार्ग से पीपली बाजार मंदिर उपाश्रय तक पूरे रोड पर भव्याति भव्य विराट पैमाने पे की गई शानदार सजावट। श्री नवकार परिवार के महेंद्र गुरुजी, सोमिल कोठारी, प्रियेश जैन, अतुल मंडवरा, अमित बाफना, राहुल डांगी, अभिषेक मेहता, मुकेश पटवा, जयंत खाबिया, कार्तिक जैन ने बताया कि मुख्य आकर्षण श्रृंगार में राजस्थान के कुंभलगढ़ किला, जिसमें 36 किलोमीटर की दीवार और उसी में 300 जैन मंदिर है, इसकी प्रतिकृति की विराट रचना की गई, जिसमें 52 जिनाले आकर्षण का केंद्र रहा। 14 राजलोक, जिसमें 7 नरक, 12 देवलोक, सिद्धशिला, तिरछालोक, मेरु पर्वत की सुंदर रचना की गई। प्रभु महावीर की माता ने देखे 14 स्वप्नों पे आधारित 14 प्रवेश द्वार राजस्थानी थीम पर जवाहर मार्ग से पूरे महावीर मार्ग पर सजाए गए थे। श्री अभय सागर जी जैन धार्मिक पाठशाला पीपली बाजार के बच्चों एवं बहुमंडल द्वारा 14 नियमों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सभी बच्चे उसे अपने खुद के द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट को सभी को बार बार समझा रहे थे। सफ़ेद एवं लाल मंदिर को जोड़ते हुए पुल बनाया गया था, जिसका नाम अक्षय सेतु रखा गया था। मंदिर में अति मधुर प्रभु भक्ति भी स्नप के शरद भाई द्वारा करवाई जा रही थी, जिसमें सभी के पांव नृत्य करते थक नहीं रहे थे। मंदिर में हर साल की तरह इस 14वें वर्ष भी पर्युषण के 6ठे दिवस में ही इसे किया गया, जिसमें अनेकों रचनाएं, दीप श्रृंगार, रंगोलियां, फूलों, फाउंटेन, अनेकों आर्टिकल्स आदि द्वारा शानदार विशाल पैमाने पर अति सुंदर सजावट की गई। शेखर जी गैलदा व मनीष जी मार्थिया वालों ने प्रभु की लाखेनी अंगरचना की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी का लाभ श्रीमान कांतिलाल जी डा अक्षय जी बम जैन इंदौर बनगर परिवार द्वारा लिया गया था। सह लाभार्थी श्री पुण्यपाल जी, अर्पित जी सुराना परिवार, श्री अरविंद जी, सुरेश जी, रविजी चोरडिया परिवार, श्री राकेश जी, शरद जी शाह परिवार, श्री सुरेश जी, मनीष जी देशलहरा परिवार थे। शुभेच्छु कांताबेन नंदलाल जी डोसी परिवार, तेजराज जी, सायरा देवी जी डोसी परिवार, चंदा जी, सुरेश जी विनायका परिवार, पंकज जी कटकानी परिवार, दिलीप कुमार जी, केवल चंद जी खुबाजी परिवार, आकाश जी ककरेचा परिवार आदि परिवारों द्वारा इस बार के विराट श्रृंगार का लाभ। अपना साथ करना। ओ आदि ईश्वरी।
बताइए आज इंदौर के पीपी उद्यान में बड़ा भव्य श्रृंगार किया गया, क्या विशेष आयोजन आज? आज इंदौर हर प्रति वर्ष हर वर्ष नौकार ग्रुप और अन्य ग्रुपों द्वारा दोनों मंदिर को पर्यटन के पर्व के इतवार को सजाया जाता है। इस बार सजाया तो गई है दीप सज्जा है से, इसके साथ साथ एक भव्य भव्य आयोजन जो ऐतिहासिक इतिहास हमारे जैन समाज के लिए, उस इतिहास की रचना इंदौर में आकर के किए, जो सैकड़ों दूर किलोमीटर दूर जैन नहीं जा सकते हैं उनकी रचना इंदौर में आकर के इन ग्रुप ने किए और वो देखने लायक है, इसीलिए आज पूरा शहर इधर उमड़ा हुआ है कि झांकियों के दर्शन करने के लिए देखने के लिए। आपका परिचय दीजिए। कैलाश नाथ, अध्यक्ष जैन महासंघ। और बताइए इस प्रकार के आयोजन में आपको कितनी आपने प्रयास करा कि इसको यहाँ तक लेके आया? सबसे पहले सब मित्रों को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर का एक ही संदेश है, जियो और जीने दो। हम सभी अगर सही ढंग से जीना चाहते हैं तो भगवान महावीर का जो संदेश है अगर हमने हमारे जीवन में उतार लिया तो हम भी अच्छे से जिएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छे से जिएगा। उसी के आधार पर जिन शासन के अंदर पर्युषण महापर्व चल रहे हैं, सभी को पर्युषण महापर्व की खूब खूब बधाइयाँ। नौकार परिवार 13 साल से कंटिन्यू ऐसा आयोजन करता आ रहा है, ये 14वां साल है। तो 14वां साल के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर थीम रखी है। हर थीम को हम लोगों ने 14 के हिसाब से रखा हुआ है। 14 मास में हिसाब से हमने मंगल प्रवेश द्वार 14वां द्वार सबसे पहले लगाए गए हैं, उसके बाद 14 फाउंटेनों के द्वारा इसके अंदर कर रखा है। भगवान महावीर मार्ग पूरा जवार मार्ग से लेकर तो उपाश तक सजा हुआ है और उसके अंदर भगवान महावीर का सिंह रथ लगाया गया है। भगवान महावीर का लांछन सिंह है, तो सिंह परमात्मा महावीर के रथ को खींच रहे हैं, उसकी पूरी झांकी का वर्णन आगे कर रखा है। मंदिर सफ़ेद मंदिर के अंदर परमात्मा की सोने चांदी हीरे मोती माणिक से लाखड़ी अंगरचना की गई है, जो लगभग 100 साल पुरानी अंगरचना है। 100 साल पुराने आभूषण परमात्मा के हैं, जो साल भर में आज के दिन ही निकलते हैं, उसी से पूरी अंगरचना परमात्मा की गई है। 14 राजलोक की रचना की गई है, जिसके अंदर 7 नरक, 12 देवलोक और तिरछा लोग, जिसके अंदर मनुष्य लोग आता है, पृथ्वी आती है, मेरु पर्वत आता है, सूर्यचंद्र आते हैं, नवग्रह आते हैं, उन सभी की रचना की गई है। साथ ही साथ सिद्ध शिला की रचना की गई है, जहां हम सभी को जाना है, ऐसा पूरा 14 राजलोक दिखाया गया है। और एक जगह पर हम लोगों ने एक बहुत सुंदर पूरा किला दिखा गया है, जिसके अंदर 36 किलोमीटर की बहुत बड़ी दीवार है, उसके अंदर 300 प्राचीन जैन मंदिर है जो आज भी मौजूद है। ऐसे किले के दर्शन करने के लिए पूरा इंदौर का अभी हाल घड़ी के अंदर 10:30 बज रही है और अभी तक 8,000 से ऊपर पब्लिक दर्शन कर चुकी है इंदौर की, और गजब का तांता लगा हुआ है। सफेद मंदिर और लाल मंदिर के अंदर एक ही लाइन में दर्शन हो रहे हैं और दर्शन की लाइन पूरे जवाहर मार्ग से भी आगे पहुँच चुकी है और कंटिन्यू पूरा इंदौर आ रहा है और जबरदस्त का उत्साह देखने को मिल रहा है। और वास्तव में ऐसे आयोजन हर प्राचीन क्षेत्र में हर जगह पर होने चाहिए, तो इतना सुंदर आयोजन जो हुआ है इसका मुख्य लाभार्थी हमारे अक्षय जी, कांतिलाल जी बम है, जिन्होंने इसका मुख्य सहयोग हमें प्राप्त किया है। उसके बाद हमारे सुराणा साहब है जो कि पास में ही खड़े हुए हैं, ये हमारे सह लाभार्थी हैं। इसी के साथ साथ में अर्पण नर्सिंग होम वाले हमारे मनीष भैया सह लाभार्थी हैं, शरद भाई शाह जो पूरी भक्ति कर रहे हैं वो हमारे सह लाभार्थी हैं, रवि जी चोड़िया परिवार वो भी हमारे सह लाभार्थी हैं। और इसके साथ साथ शुभेच्छु भी हमने 5-6 जने बनाए हुए हैं, सभी जने बहुत अच्छी तरह से द्रव्य का उपयोग कर रहे हैं और वास्तव में उन्होंने जो द्रव्य का उपयोग किया है वास्तव में कहना पड़ेगा कि उनका 1 रुपया 1.25 रुपये में चल रहा है। पूरा इंदौर परमात्मा के दर्शन करके वाह वाह करते हुए नहीं निकल रहा है और कुंभलगढ़ की रचना देख करके तो लोगों ने दांतों तले उंगली जमा रहे हैं। इतनी शानदार रचना पूरे नौकर परिवार के युवाओं ने करी है और उसी के साथ साथ नौकर परिवार सुलसा की बहनों ने भी बहुत अच्छी अंगरचनाएँ करी है। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि हर साल हर मंदिर में, हर जैन समाज के मंदिर में इतनी सुंदर रचनाएँ होनी चाहिए ताकि पूरा जैन समाज अपने मंदिरों में जाए। कम से कम हमारा ये प्राचीन जगह है, हमारा उद्गम स्थल है, जैन श्वेतांबर समाज का उद्गम स्थल अगर कोई माना जाए तो स्थिति क्षेत्र माना जाता है। उसमें इतना प्राचीन 100 साल पुराने मंदिर और यहाँ इतना अच्छा भव्य अगर श्रृंगार साल में हो तो कम से कम साल भर में एक बार तो पूरे इंदौर का श्वेतांबर समाज का पांव यहाँ पड़ना चाहिए। उसको देखते हुए इतना बड़ा हम लोग श्रृंगार करते हैं। सब लाभार्थियों की बहुत बहुत अनुमोदना। एक विशेष यहाँ पर एक ये चीज़ भी हुई है कि जो जैन समाज के अंदर 14 नियम धारण करते हैं उन 14 नियमों को अभय सागर जी पाठशाला पिपली बाजार की उन्होंने पूरा बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शनी लगाई है और एक एक नियम को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना है हमारे आनंद चंद्र सागर जी महासाहब, ऋषभ चंद्र सागर जी महासाहब, प्रवीण गुरु जी और यहाँ साधु जी पिपली बाजार में जो विराजमान है उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियाँ करवाई है। और तिलक नगर के अंदर जो आचार्य भगवंत हैं हमारे, उन्होंने कुंभलगढ़ की हमें प्रेरणा करी और 2.5 साल रह करके जो कुंभलगढ़ में मंदिर बंद थे उन 300 मंदिर में से एक मंदिर के अंदर पूजा प्रारंभ करा दी। उसी को देखते हुए उसका इतिहास हम लोग ने यहाँ दर्शाया है पूरे इंदौर के अंदर। बताइए आज यहाँ आप विशेष रूप से आए, क्या कहेंगे आज विशेष आयोजन को लेकर? पिपली बाजार में जो आज कुंडलपुर का जो अद्भुत माहौल है ये बहुत जबरदस्त है।
पूरे इंदौर शहर का जैन समाज और अन्य समाज के लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। बहुत भव्य सजावट की गई है पिपली बाजार में। आज जो भव्य आयोजन है इसके लिए अक्षय कांतिलाल जी बम और फिर नौकर परिवार सोमिल भाई और पूरी टीम को बहुत अनुमोदना, बहुत बधाई। आपका परिचय? 8,000 लोग दर्शन करके जा चुके हैं। आपका अभी तक करीब करीब 8,000 से 10,000 लोग दर्शन कर चुके हैं और करीब करीब ये आंकड़ा 12 तक रात को देर तक चलेगा। मनीष सुरानो, आपने यह लाभ लिया है, क्या कहेंगे? जनरली देखा जाता है कि लाभ मिलता है, पर आपका ये जो लाभ है पूरा शहर देखने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? नौकर ग्रुप की जो जबरदस्त भावनाओं के साथ इसको आगे बढ़ाया गया है, तो इसमें सभी जैन समाज के, सितंबर जैन समाज के सभी पूर्ण रूप से लाभार्थी है और सभी के ग्रुप से पूरा वर्क हो रहा है। आपका और ऐसा कार्य हर साल होता है और आगे भी होता रहे। आपका परिचय दीजिए। पुण्यपाल सिंह।